मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये क्या है फ्रेंड्स? दही। आप लोग दही तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन मेरे तरीके से नहीं। अगर आप लोगों को ये दही पसंद आए तो मेरे चैनल पे मेरे वीडियो देख लेना। घर का जमा हुआ एकदम फ्रेश दही ताज़ा है। तो एक खास ट्रिक्स और टिप्स भी लाई हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसकी मत करिएगा। ये दही है, दही के ऊपर का हम थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ा ये अलग से हम इसका यूज़ करेंगे, तब देख लेना आप लोग अब क्या करेंगे। और एक और ज़रूरी बात, एक खास ट्रिक्स और टिप्स भी लाई हूँ। बिना मिक्सी, बिना किसी से हम बनाएंगे अपने हाथों की मदद से, और बहुत आसान तरीके से मस्त रेसिपी। भाई इस गर्मी में इस लस्सी का मज़ा ना ले फिर क्या। तो इस गर्मियों में आप लोगों के लिए लस्सी की वीडियो लाई हूँ, बहुत मस्त। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? दही। दही को एक स्पून की मदद से फेंट लेंगे। अगर स्पून है तो स्पून से फेंट लीजिएगा आप लोग। अगर मथने वाली मथनी होती है उससे भी आप लोग फेंट सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास जो पोटैटो वाला मैशर होता है ना, मैश करने वाला, वो तो है। अब मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। एक नाप की तरफ से तो हम कई स्पून, 5 या 6 स्पून हम दही ले लेंगे। दही को बहुत, कोई छोटा वाला मेरा स्पून नहीं, बड़ा सा चम्मच से, देख रहे हैं ना आप लोग, तो बढ़िया बड़े चम्मच से 5-6 ले लीजिए, उसके बाद फेंट लीजिए। अब इसमें हम क्या ऐड करें? ये मेरे आइस क्यूब हैं, आप लोग देख रहे हो, बर्फ। अब इन्हें हम अभी नहीं ऐड करेंगे, आप लोगों को दिखा रहे थे। अब हम पहले तो दही को फेंटेंगे बढ़िया, एकदम मलाईदार, क्रीमी, बहुत अच्छे से। जैसे आप लोग मार्केट जाके ना रेसिपी खाते हैं मलाई वाली, बढ़िया लस्सी पीते हैं, तो आप लोग मार्केट मत जाइए। मैं तो बोलती हूँ अपने घर पे दही बढ़िया जमाइए, और उसके बाद बढ़िया लस्सी प्यारी सी बनाइए। ढेर सारे आप लोगों के पैसे बचेंगे। आप लोग सबसे ज़्यादा जो सस्ती होती है 50 की मिलती है ना, तो उससे महंगी और ज़्यादा मिलती, उससे महंगी और ज़्यादा, तो आप लोग क्यों फालतू के पैसे खर्चे करना। किसी के यहाँ भाई बड़ी फैमिली है तो अपने घर पे ढेर सारा दही जमाइए और बढ़िया बनाइए लस्सी। तो हम अब क्या करेंगे, एक पोटैटो मैशर लेंगे, उससे मैश कर लेंगे। जैसे आप लोग आलू मैश करते हो ना, उससे बहुत अच्छे से, सच में एक छोटी सी ट्रिक्स है, इससे बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। इससे घी भी हम लोग घी भी निकाल लेते हैं। तो देखिए मैश हो गया है मेरा। अब इसी में क्या ऐड करेंगे? चीनी। अपने टेस्ट के अनुसार बढ़िया चीनी ऐड कर लीजिए, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आए, मीठा मीठा सा। अब हम चीनी को भी अपने इसी से मैश करेंगे बढ़िया, ऐसे एकदम मस्त मिक्स कर लेंगे। आप लोग मिक्सी से भी कर सकते हैं, मैं बिना मिक्सी से लस्सी बनाने वाली हूँ, वो भी बहुत मस्त मलाई वाली, क्रीमी। देख लेना आप लोग, देख के कहोगे पहले क्यों नहीं बनाया बताया, ऐसा तो आप लोग ज़रूर बोलोगे। इतनी मेरे घर पे पसंद आई सबको, जब मैंने पहली बार ये बनाई ना इस तरीके से, पहले तो मिक्सी में बनाती थी, बट इस बार ऐसे बनाई तो मिक्सी से ज़्यादा लोगों ने ये वाली पसंद की, बहुत ढेर सारी तारीफ़ की। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आप लोगों को प्लीज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम अब ऐसे फेंट लेंगे, देखिए इसका घी जितना है, बढ़िया ऊपर ऊपर मलाई, बढ़िया क्रीमी लग रही है ना मेरी लस्सी, कितनी मस्त, मुझे तो भाई बहुत टेस्टी लगी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अब देखिए मलाई बन के रेडी है ना, तो ये दही है फ्रेंड्स, वही वाला जो मैंने पहले बढ़िया ऊपर ऊपर का निकाल ली थी ना, तो अभी इसे नहीं ऐड करेंगे, दिखा रही थी आप लोगों को। देखिए बन के रेडी है ना, तो अब हम क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे, कोई भी गिलास ले सकते हैं, क्योंकि स्टील का या फिर कांच का कोई भी ले सकते हैं।
मैं तो बोलती हूँ आप लोग मिट्टी का लीजिए, इससे और अच्छा टेस्ट आएगा, पीने में मज़ा कुछ टेस्ट और आएगा। और एक बात, मैं थोड़ा सा पानी ठंडा ऐड कर रही हूँ। आप लोग अगर नहीं चाहते हैं तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। मैं दूध एक और वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं सोची मैं ये पानी से बनाती हूँ, कैसी बनेगी। तो थोड़ा सा, किसी के यहाँ दूध नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो पानी से भी बना सकते हैं, और वो भी बहुत टेस्टी और हेल्दी मज़ेदार सी रेसिपी, प्यारी सी लस्सी। तो अब क्या करेंगे, एक कांच का गिलास ले लेंगे, उसी में बढ़िया सारी अपनी लस्सी नाल बढ़िया इसमें डाल देंगे, टर्न कर देंगे ऐसे बढ़िया, है ना फ्रेंड्स। इसी में हम डाल लेंगे, देखिए फ्रेंड्स कितनी मस्त है। अब इसी में क्या ऐड करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए, बढ़िया आपका दिल एकदम ठंडा ठंडा ताज़ा हो जाए, एकदम फ्रेश, दिमाग खुश हो जाए। तो इसी में क्या ऐड करेंगे, आइस क्यूब। भाई ये तो ज़रूरी, पर्सनली मैं बोल रही हूँ ज़रूर ऐड करिएगा। इसके ऊपर से वही प्यारा सा दही, मस्त वाला क्रीमी। अब इसी में ऐड कर देंगे। अब क्या ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स, किशमिश या फिर मुनक्का बोल सकते हो, मैं ये भी ऐड करूँगी, मुझे भाई बहुत पसंद है। आप लोग बादाम या फिर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, नारियल बुरादा कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो, मुझे भाई ये चीज़ पसंद है। और थोड़ी सी ऐड करेंगे इलायची, इलायची का टेस्ट मुझे बहुत सच में पसंद है, तो मैं इलायची ऐड कर रही हूँ। पसंद तो अपनी अपनी होती है, आइए आप लोग इंजॉय कीजिए प्यारी सी रेसिपी बन के, बढ़िया प्यारी सी ठंडी ठंडी लस्सी बन के रेडी है, तो आइए आप लोग सर्व कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत मस्त बनी है, सुपर डुपर एकदम यमी सी, आइए फ्रेंड्स इंजॉय कीजिए। मैं बार बार बुला रही हूँ, आप लोग जाइए अपने घर पे बनाइए बढ़िया। हमेशा की तरह सिर्फ 3 चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।